स्वराज सेहत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेताली पाटिल। स्वराज सेहत में आज बात करेंगे डेंटल साइंस के बारे में। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर सरगम पराठे, जो कि डेंटल साइंस भाभा कॉलेज से है। दांतों से जुड़ी समस्या के बारे में उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सरगम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। दांत में दर्द होना किसका लक्षण है? एक्चुअली दांत में दर्द होना, सबसे पहले तो ओरल हाइजीन जब ठीक नहीं रखते है कोई इंसान, तो उसके जिसके वजह से दांतों के बीच में खाना फंस जाता है, वो खाना फंसने की वजह से सड़न होती है। सड़न जैसे जैसे नस में पहुंच जाएगी वैसे वैसे दर्द होना चालू हो जाता है। तो ये एक इंडिकेशन है दांतों में दर्द होने का। उसके बाद इसके अलावा पेरियोडोंटल प्रॉब्लम, जो मसूड़ों में सूजन हो जाती है या फिर ब्लीडिंग होती है, उसके वजह से भी दांतों में या मसूड़ों में दर्द हो सकता है। जी सरगम जी, जैसा हमने अक्सर देखा है कि जब दांतों में दर्द होता है या कुछ परेशानी होती है, तो कई बार ज्यादातर इलाज जो है वो नसों के थ्रू किया जाता है, तो आखिर हर इलाज नसों के थ्रू करना जरूरी होता है? जी नहीं, हर इलाज नसों के थ्रू करना जरूरी नहीं है, इसके भी फैक्टर्स है। अगर कोई सडन नस तक पहुंच चुकी है, नसों के अंदर पहुंच चुकी है, तब हम रूट कनाल ट्रीटमेंट, जो नसों का इलाज जिसे कहते हैं, वो करते हैं। अगर कोई सडन नस के पास है तो उसमें हम सडन को हटा के उसमें एक मेडिकेशन लगा देते हैं, उसके ऊपर एक सीमेंट की लेयर लगा देते हैं, जिससे दांत वापस मजबूत हो जाता है। और अगर सडन सिर्फ ऊपरी लेयर में है, जैसे इनामल या फिर डेंटिन में है, तो हम उसे सिर्फ हटा के, सारी सडन हटा के, हम सिर्फ एक दांत के कलर का सीमेंट से भी उस दांत को रिस्टोर कर सकते हैं। जी, जिस तरीके से सरगम जी, देखा गया है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके दांत पीले हो जाते हैं, लेकिन कई बार पॉलिशिंग और स्केलिंग कराने के बाद भी उनके जो दांत है वो सही नहीं हो पाते, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कुछ कर सकते हैं और आखिर ऐसी कंडीशन क्यों होती है? अच्छा, कभी कभी सबसे पहले दांतों का पीलापन जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है। बच्चों में दांतों का पीलापन या फिर ब्राउनिशनेस या फिर वाइट स्पॉट्स, ये फ्लोरोसिस के इंडिकेशंस है। उसके लिए बच्चों में हम फ्लोराइड एप्लीकेशन कर सकते हैं, फ्लोराइड टूथपेस्ट जो होता है उसका उपयोग कर सकते हैं अभी। और जो बड़े लोग होते हैं उनमें येलोइशनेस जो होता है वो जब हम हमारी ओरल हाइजीन ठीक नहीं होती, ब्रशिंग ठीक नहीं होता, उसकी वजह से हो सकता है। या उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक ब्लीचिंग मेथड है वो कर सकते हैं, या फिर विनियरिंग कर सकते हैं। विनियरिंग आज के ज़माने में एक नई तकनीक है जिसमें लोग स्माइल मेकओवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्ट्रेसेस हो या फिर जिसको भी अपनी स्माइल, अधिकतम ये महिलाएं विनियरिंग ज्यादा कराती है, जिससे उनकी स्माइल बहुत अच्छी हो जाती है। अभी आपने एक ब्लीचिंग प्रोसेस का जिक्र किया था, मैं जानना चाहूंगी कि वो ब्लीचिंग प्रोसेस क्या है और इस प्रोसेस में क्या होता है? जी, ब्लीचिंग एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम दांतों का कलर, जैसे नॉर्मली हमारे दांतों का कलर जो है वो येलोइश व्हाइट होता है, पर किसी किसी को अपने दांतों का कलर पसंद नहीं आता या फिर अच्छा नहीं लगता, तो उसमें हम दांतों का एक शेड कम कर सकते हैं या फिर उसमें ऐसा हो जाता है कि जैसे हम एक एप्लीकेटर होता है उससे हम लगाकर ब्लीचिंग एजेंट दांतों पे लगाकर उसको थोड़े देर तक रख के लाइट क्योरिंग करके उससे हम दांतों का एक शेड कम किया जा सकता है। ये प्रोसीजर 2 से 3 बार हम कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो हम बार बार भी कर सकते हैं, पर उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, उसको ध्यान में रख के हमें ब्लीचिंग करनी चाहिए। जी सरगम जी, जैसे देखने को मिला है कि कई लोग जो होते हैं वो आरसीटी ना कराकर इम्प्लांटेशन कराते हैं, तो ये कितना सही है और अगर इस कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए, आरसीटी कराना चाहिए या इम्प्लांटेशन कराना चाहिए? जी, अभी हम देखते हैं आरसीटी मतलब हम हमारा जो नेचुरल दांत है उसको हम कंजर्व करके नस का इलाज करना, मतलब हम उसे नसों को साफ करके उसमें आर्टिफिशियल नसें डाल के उसे सील करते हैं और प्रोटेक्शन के लिए कैप लगाते हैं। ये आरसीटी दैट इज रूट कनाल ट्रीटमेंट, नस का इलाज होता है। ठीक है, अभी कोई पेशेंट ऐसा आया जिसे आरसीटी नहीं करानी, क्योंकि आरसीटी में या तो एक सिंगल सिटिंग होती है या फिर अगर मवाद का कंडीशन हो तो आरसीटी 2 या 3 से अपॉइंटमेंट में हो सकती है।
ये कभी कभी पेशेंट को बहुत लेंदी प्रोसेस लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि हम दांत निकलवा के एक नया इम्प्लांट बैठा देंगे। इम्प्लांट क्या है? इम्प्लांट एक स्क्रू है जिसको हम बोन में डालते हैं, उसको हीलिंग के लिए रख देते हैं। अभी हीलिंग भी डिपेंड करता है, किसी किसी को बीपी या शुगर की बीमारी होती है जिसमें हीलिंग प्रोसेस रिड्यूस हो जाता है या फिर धीरे धीरे हीलिंग होती है। तो इम्प्लांट का ये डिसएडवांटेज है कि इम्प्लांट डालने के बाद भी हमें नहीं पता वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। प्लस इम्प्लांट एक लेंदी प्रोसेस है, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इम्प्लांट में पैसे भी बहुत लगते हैं, कोई कोई नहीं अफोर्ड कर पाता। तो उससे बेटर है इम्प्लांट ना करके हम रूट कनाल ट्रीटमेंट, नस के इलाज की तरफ जाए, जिससे कि हम हमारा जो दांत है, असली दांत है, नेचुरल दांत है, उसे कंजर्व करके हम अपनी उसके ऊपर कैप बैठा के हम नेचुरली दांतों से हम खाना चबा सकते हैं और दांत भी नेचुरली रहता है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं करता है। तो हाँ, आरसीटी करना ज्यादा फायदेमंद है इम्प्लांट से। जी सरगम जी, जिस तरीके से बच्चे होते हैं, बच्चे तो मीठा खाने से वाज नहीं आते हैं और वो मीठा तो खाते ही हैं, तो ऐसे में कभी कभार बच्चों में ज्यादा देखने को मिला है कि उनके दांत बहुत खराब हो जाते हैं जिससे उनको काफी परेशानी होती है। और युवाओं में भी हमें देखने को मिला है कि दांत जो है उनके काफी खराब जाते हैं और उन्हें इनिशियल स्टेज पे नहीं पता चलता है, जब चीजें बहुत नेक्स्ट लेवल चली जाती है तब उन्हें पता चलता है कि उनके दांतों में इतनी ज्यादा तकलीफ है। तो ऐसी चीजों को कैसे पता लगाया जा सकता है जल्दी? देखिए, सबसे पहले बच्चे तो मीठा खाएंगे ही, हम उन्हें रोक नहीं सकते। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये मेक श्योर करना चाहिए कि बच्चों का ओरल हाइजीन अच्छा रहे। अभी हम ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं बच्चों का? पहले तो ब्रशिंग इम्पॉर्टेंट है, मॉर्निंग एंड आफ्टर मील, रात का जो खाना होता है उसके बाद ब्रश करना अनिवार्य है। उसके बाद जो शुगरी सब्सटेंस है उसे हम कम कर सकते हैं या कम नहीं कर सकते। तो शुगरी सब्सटेंस जब हम किसी बच्चे को देते हैं उसके बाद हम बच्चे को रिंस करवा सकते हैं, जिससे जो फूड आइटम है वो दांत पे चिपके ना, क्योंकि जब दांत पे फूड आइटम चिपक जाता है तो बैक्टीरिया काम करते हैं, एसिड छोड़ते हैं, जिसके वजह से सड़न बढ़ती है। तो वो हमें कम करना है और खत्म करना है। उसके बाद सरगम जी, जिस तरीके से कभी कभी लोग जो होते हैं उनके दांत में अगर छेद हो गया है या कुछ हो गया है तो घर के नुस्खे जो है वो अपनाने लग जाते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए काम नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? जब मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके दांत में दर्द है तो आप तुरंत इमीडिएटली एक डेंटिस्ट को अप्रोच कीजिए, क्योंकि लौंग के तेल से या घरेलू नुस्खे से दांत का इलाज नहीं हो सकता। कोई मेडिसिन दांत का काम नहीं कर सकती, डेंटिस्ट्री ये एक क्लिनिकल ब्रांच है। तो जब तक हम दांत का सड़न नहीं निकाल पाएंगे या नहीं निकालते तब तक दांत सही नहीं हो सकता। दर्द कुछ समय के लिए कम हो सकता है, खत्म हो सकता है, पर फिर वापस वो दर्द आएगा। तो उससे बेहतर है आप एक डेंटिस्ट का अप्रोच कीजिए, आप अपना पूरा अच्छे से क्लिनिकल डायग्नोसिस कीजिए, करवाइए, एक्सरे करवाइए, डेंटिस्ट जो ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं उसे फॉलो कीजिए। बस यही एक अच्छे ओरल हाइजीन के लिए इम्पोर्टेंट है। अपनी दांतों की सेहत भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी बॉडी की सेहत इम्पोर्टेंट है। जी सरगम जी, कभी कभार हमने देखा है कि किसी के अगर दांत खराब हो गए और कुछ टाइम बाद उनके पूरे के पूरे, जैसे दाढ़ की अगर बात करूं तो दाढ़ जो होती है वो पूरी निकाल ली जाती है और उसमें काफी पेन भी होता है और यूथ के लिए काफी देखने को मिला है। तो अगर यूथ जो है उनकी ही दाढ़ निकल जाए और आगे उनकी अभी जर्नी बची हुई है तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए क्या प्रोसेस सही होती है, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, यूथ के लिए ये है कि जैसे हमें तो अभी बहुत खाना बचा है, हम तो खाए बिना रह नहीं सकते। तो अगर ऐसी कंडीशन में किसी यूथ में दांत बहुत खराब हो चुका है और दांत निकालने के कगार पे है, दांत निकाला ही जाएगा, तो उसके लिए दो चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। एक तो इम्प्लांट है। अगर किसी यूथ में ज्यादा मेडिकल कॉम्प्रोमाइज वो लोग नहीं होते हैं, ठीक है, हम लोग तंदुरुस्त होते हैं, अपना डाइट बहुत अच्छा होता है, तो उसमें हम इम्प्लांट डाल सकते हैं। सेकेंड है, हम दो दांतों का सपोर्ट लेके ब्रिज बना सकते हैं, जो जिसमें क्या होता है कि दो दांतों में हम इंटेंशनल आरसीटी या फिर बिना आरसीटी के भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो उन दोनों दांतों को ब्रिज जैसा यूज करके हम नया दांत बना सकते हैं, जिसको पॉन्टिक भी बोलते हैं। जी सरगम जी, जिस तरीके से एक ब्रेसिस वाली जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में कई बार हमने देखा है कि वो अच्छी भी होती है और कई बार देखा है कि बुरी भी निकल जाती है, काफी तकलीफ भी होती है ऐसी केसेस में।
तो क्या ब्रेसेस लगाना सही होता है, क्योंकि लोग अपने नेचुरल दांत को छोड़ के स्माइल के चक्कर में ब्रेसेस भी लगवा लेते हैं? जी, आजकल के ज़माने में लोगों को अपना स्माइल बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको अच्छी स्माइल चाहिए। तो ब्रेसेस एक्चुअली सबसे पहले तो हमें डेंटिस्ट और जो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं उन्हें कंसल्ट कराना चाहिए, अपना पूरा चेकअप कराना चाहिए कि क्या आपको ब्रेसेस की ज़रूरत है या नहीं। अब ब्रेसेस में भी दो तरीके होते हैं, एक जो मेटल ब्रेसेस होते हैं वो होते हैं, और एक नई तकनीक निकली है जिसे इनवर्स अलाइनर्स बोलते हैं, जिसमें जो ब्रेसेस है वो दिखाई नहीं देते। प्लस अगर ये एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर ये कि अगर आपको ब्रेसेस नहीं लगाने हैं और आपको सिर्फ सामने की स्माइल पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो एक वीनियरिंग का भी प्रोसीजर है जो आप कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। जी, आपने अभी वीनियरिंग प्रोसेस का जिक्र किया है, आखिर इस वीनियरिंग प्रोसेस में होता क्या है? ओके, वीनियरिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सामने के जो हमारे दांत है जो स्माइल में नजर आते हैं उसे उसमें हम छोटा सा टूथ प्रिपेयर करते हैं, जैसे थोड़ा सा दांत हम अपने इंस्ट्रूमेंट से रिड्यूस करते हैं, उसके ऊपर दांत के ही शेड का या फिर जिस शेड का आपको दांत चाहिए वो उसी शेड का हम वापस दांत लगा सकते हैं। ये एक कैप की तरह है पर एक कम कैप की तरह है बट एक बहुत रिडक्शन नहीं होता है, उससे आपको झंझनाहट या ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बस स्माइल मेकओवर के लिए, या फिर आपको अपने दांत छोटे करने हैं या फिर दांत का कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो तब हम वीनियरिंग कर सकते हैं। जी, कभी कभी हमने देखा है कि कुछ ऐसे जो लोग होते हैं नेचुरली उनके दांतों में गैप होता है जी, तो आखिर उस गैप को किस तरीके से फिल किया जा सकता है? दो तरीके हो सकते हैं जिनके दांतों में गैप है, एक तो हम वीनियरिंग से उसे बंद कर सकते हैं, या नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, दैट इज ब्रेसेस के यूज से हम उसे कम कर सकते हैं। वीनियरिंग एक शॉर्ट प्रोसीजर है और जो ब्रेसेस का प्रोसीजर है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है जिसमें एक साल या दो साल लग सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट को क्या चाहिए उसके हिसाब से पेशेंट अपना ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। जी, और कभी कभार हमने देखा है कि कुछ लोगों के दांत जो है वो नेचुरली खाना खाते वक्त ही टूट गए या कुछ ऐसे कर रहे थे, क्योंकि शायद दांतों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें क्या लेना चाहिए कि उनके दांत और मजबूत रहे? ओके, जब ऐसा ही कंडीशन है तो एक सबसे पहले तो अपना पूरा जो प्रोफाइल है वो आप चेक करवाइए, क्योंकि अभी का जो फूड आइटम्स है, जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं उसके वजह से कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स एंड ऑल सब यूज कर रहे हैं एंड इसके वजह से हमें मिनरल्स हमारे अंदर जाना जरूरी है। तो एक सबसे पहली बात है कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो। फिर जो टूथपेस्ट है, जैसे फ्लोरिडेटेड हो जिसमें इनामिल और डेंटिन की परतें निकल जाती है, तो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट से सही हो जाता है, तो वो हम यूज करते हैं। डाइट प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। जी जी, और अगर इस केसेस में जिनके दांत जो है वो काफी कमजोर है, खराब हो रहे हैं और लगातार उनको पेन का जो प्रॉब्लम है वो बना हुआ है, ऐसे में ऐसे कौन से विटामिन है, ऐसे कौन से फूड्स है जो उनको ज्यादा खाने चाहिए जिससे उनके दांत और मजबूत हो? ओके, एक तो सबसे पहले कैल्शियम सप्लीमेंट्स है, आपको मिनरल्स खाने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मसूड़ों के लिए, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑरेंजेस है, टोमेटोज है, ये खाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो कोलाजिन फाइबर्स बढ़ाए, फाइबर्स फूड ज़्यादा खाना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए। जी जी, और जैसे किसी के दांतों में दर्द है और वो नेचुरली जैसे लौंग का जो ऑयल होता है वो भी कई बार जो है दर्द को कम करने के लिए यूज कर लेते हैं लोग, तो क्या वो सही होता है इस तरीके से यूज करना है जब मेजर पेन हो रहा है उस कंडीशन में? जब मेजर पेन होता है तो जैसे हम देखते हैं कि हम लौंग का तेल यूज करते हैं, वो यूज नहीं करना चाहिए वैसे तो, क्योंकि वो टेम्पररी इलाज है। लौंग के तेल से कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो बेटर है पहले सबसे पहले आप डेंटिस्ट के पास जाइए, उस अपना डायग्नोसिस करवाइए, एक्सरे करवाइए, उसके बाद जो डेंटिस्ट ट्रीटमेंट प्लान कराते हैं उसे फॉलो कीजिए। जी सरगम जी, जिस तरीके से कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पूरे ही दांत नहीं है जी, तो उनके लिए पूरे दांतों का जो सेट होता है उनका इम्प्लांटेशन किया जाता है, तो आखिर वो इम्प्लांटेशन क्या सही होता है और कितने लॉन्ग टर्म के लिए वो चलता है? जी,
जिनके जो एजेड लोग होते हैं जिनमें नहीं होता मतलब दांत नहीं होते तो उनके लिए हम डेंचर्स बनाते हैं। डेंचर्स एक पूरा सेट होता है मैक्सिला और मैंडिबल का, वो दो तरीके के होते हैं, उसमें भी एक विदाउट इम्प्लांट्स होता है और एक इम्प्लांट असिस्टेड डेंचर्स होते हैं। उसमें भी डिफर करता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इम्प्लांट्स तो आप यूज़ कर आप लगवा सकते हैं इम्प्लांट्स, और इम्प्लांट का जो डेंचर है वो फिक्स्ड होता है और बहुत चलता है, और जो नॉर्मल डेंचर्स होते हैं वो रिमूवेबल होते हैं, उसे हम निकाल के भी रख सकते हैं। जिनको रिमूवेबल डेंचर्स लाइक रिमूवेबल डेंचर्स कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, इम्प्लांट वाले जो डेंचर्स होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं बट वो कहीं टाइम तक के चल सकते हैं और उसमें इतना मेंटेनेंस नहीं होता। हालांकि देखा जाए कि जो नॉर्मल रिमूवेबल डेंचर्स होते हैं उनको क्लीन हमेशा करना पड़ता है, वाटर में रखना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस ज़्यादा है। तो मैं प्रीफर करूँगी कि आप इम्प्लांट असिस्टेड डेंचर के तरफ जाए क्योंकि उसका मेंटेनेंस कम है और वो सक्सेसफुल भी है। जी सरगम जी, जिस तरीके से हमने अभी रूट कैनाल की बात की थी तो रूट कैनाल में भी अलग अलग प्रोसेस होती है, कैपिंग भी एक जो है इम्पोर्टेंट प्रोसेस है रूट कैनाल में, तो कैपिंग में भी अलग अलग वेरिएशन आते हैं, तो आखिर कौन सी कैपिंग सबसे ज्यादा सही होती है? अच्छा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद जब हो जाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम कैप लगाते हैं। ठीक है, कैप में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मेटल कैप होता है, PFM होता है, जिरकोनिया होता है। सबसे जो बेस्ट है वो जिरकोनिया है जिसमें आपको वारंटी भी मिलती है, प्लस आप अगर लाइक उस वारंटी के अंदर अगर आपका कैप टूट जाता है तो आपको रिप्लेसमेंट भी मिलता है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो हाँ जिरकोनिया कैप ज़्यादा अच्छा है। जी, और एक स्केलिंग प्रोसेस का भी मैंने जिक्र किया था, जैसे स्केलिंग प्रोसेस में जब दांतों की स्केलिंग होती है तो काफी बार ऐसा देखने को मिला है कि पेन बहुत ज्यादा होता है और हमारे जो दांत है वो और ज्यादा डैमेज हो जाते हैं कभी कभी सडन केसेस में, तो क्या ये एक्चुअल में ऐसा होता है कि स्केलिंग करवाने से दांत जो है वो डैमेज हो जाते हैं? जी नहीं, स्केलिंग करवाने से दांत डैमेज नहीं होते। अभी स्केलिंग प्रोसीजर क्या है और हम क्यों करते हैं? जैसे हम देखते हैं कि आप भी देखेंगे कि जब हम खाना खाते हैं या फिर सुबह उठने के बाद हमारे दांत के ऊपर एक वाइट लेयर हो जाती है, और आप देखेंगे कि जब आप आईने में देखेंगे तो हमारे दांत के अंदर के साइड में एक कुछ पथरीला जैसे जम जाता है, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ ऐसे गंदगी है हमारी। तो जब हम स्केलिंग करते हैं तो वो पत्थर, हम जो पथरीली लेयर है जिसे हम कैलकुलस बोलते हैं, वो हम निकालते हैं। जैसे टाइम हो जाता है तो वो पथरीली लेयर जम जाती है और वो मसूड़े और दांत के बीच में जम जाती है। जब हम स्केलिंग करते हैं तो वो परत हट जाती है तो वहाँ स्पेस बन जाती है, तो स्पेस बनने की वजह से पेशेंट को लगता है कि वहाँ गैप हो गई है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे मसूड़े दांत को पकड़ लेंगे, तो आपका जो पेरिडोंटल हेल्थ है, आपकी जो दांत है वो अच्छे हो जाएंगे। तो स्केलिंग की वजह से दांत खराब नहीं होते, स्केलिंग की वजह से दांत अच्छे होते हैं। थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी क्योंकि मसूड़े हैं, मसूड़ों के साइड में ब्लड सप्लाई है तो थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है, पर उसके बाद जैसे आप रिंस करेंगे, आप अच्छा माउथ वॉश यूज करेंगे, गम पेंट यूज करेंगे, तो आपकी मसूड़ों की हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। सरगम जी, दांतों की हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करनी चाहिए यह सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि कई लोग यही नहीं जान पाते कि दांतों की हाइजीन को किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। जी, दांतों की हाइजीन तो सबसे पहले ओरल हाइजीन जिसे हम बोलते हैं उसमें आता है एक तो दांत और गम्स। ठीक है, हमें दोनों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रशिंग इंपॉर्टेंट है, तो हमें दो बार ब्रश करना चाहिए, एक तो सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ऑल्सो जब भी हम खाना खाते हैं तो कुछ सब्सटेंसेस, कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में चिपक जाते हैं, तो उसे हटाने के लिए आफ्टर एवरी मील हमें रिंस करना चाहिए। उसके बाद ब्रशिंग हो गया, उसके बाद हमें हर 3 महीने में या 6 महीने में हमारे डेंटल चेकअप करना ज़रूरी है। बड़े ही नहीं, बच्चों का भी डेंटल चेकअप हर 6 महीने में होना चाहिए, क्योंकि जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे उनके दांत भी निकल आते हैं। अभी ब्रशिंग प्रोसीजर, ब्रशिंग ऐसा टेक्निक है जैसे जैसे हमारे दांत होते हैं हम ऐसे
ब्रश करते हैं ओके पर हम ये नहीं सोचते कि हमारे दांत ऊपर से नीचे आ रहे हैं नीचे से ऊपर आ रहे हैं, हम बस जोर जोर से ब्रश कर जाते हैं। तो हमें जोर से ब्रशिंग नहीं करना है क्योंकि इससे दांतों की जो लेयर है वो घिस सकती है, जिसके वजह से आपको झंझनाहट हो सकती है, दांतों का सरफेस रब ऑफ हो सकता है। तो इसलिए हमें वर्टिकली दांत ब्रशिंग करना चाहिए, ऊपर से नीचे और नीचे के दांतों को नीचे से ऊपर, जिसके वजह से जो फूड पार्टिकल या फिर कुछ भी गंदगी है वो निकल जाए। तो ये प्रोसीजर है। उसके बाद में हमें टूथपेस्ट कितना यूज़ करना चाहिए, कोई कोई मैं देखती हूँ कि बहुत सारा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, कोई बहुत छोटा सा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। तो बच्चों के लिए हमें एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, बस उतना ही उनके लिए सफिशियंट होता है। और जब बड़े होते हैं उनके लिए हम इतना टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं जो सफिशियंट होता है हमारे दांतों के लिए। प्लस हमें माउथ रिंस भी यूज़ करना चाहिए, अगर आपके दांतों में बहुत बदबू आ रही है तो आप माउथ रिंस भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस कोई कोई ऐसा होता है कि जिनके मसूड़ों में बहुत ब्लीडिंग हो रही है या फिर उनको जलन हो रही है, तो एक डेंटिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के बाद या फिर डेंटिस्ट को कंसल्ट करके आप एक गमपेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये ओरल हाइजीन के टेक्निक्स है। जी, अभी आपने जिक्र किया झंझनाहट का, तो अक्सर देखने को मिला है कि गरम ठंडा जब लोग खा लेते हैं तो उनके दांतों में बहुत ज्यादा झंझनाहट होती है और ऐसे में उनको काफी तकलीफ भी होती है। तो ऐसी क्या सही प्रोसेस है कि ये झंझनाहट ना हो और लोग जो है वो ठंडा गरम एक साथ ना खाए? अच्छा, झंझनाहट ऐसा प्रोसीजर है कि जब दांतों की लेयर निकल जाती है या फिर आपका ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं है तो तब झंझनाहट हो सकती है, या फिर आपके दांत में सडन होना चालू हो गया है या फिर ऐसे इनिशियल स्टेजेस है तो झंझनाहट हो सकती है। तो उसके लिए आप पहले डॉक्टर डेंटिस्ट को कंसल्ट कीजिए, अपना पूरा डायग्नोसिस कराइए और आरवीजी लीजिए, जो एक डिजिटल एक्सरे वो कराइए, फिर डेंटिस्ट आपको बता देंगे अगर वो आपका दांत रेस्टोरेशन से बच सकता है तो बचा लीजिए, इनकेस बहुत ज़्यादा सडन है तो फिर फर्दर रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिर जो भी प्रोसीजर्स अवेलेबल है वो आप करा सकते हैं। जी, जैसे आपने जिक्र किया था कि हर 6 महीने में हमें डेंटल चेकअप कराना चाहिए, तो उस डेंटल जब चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर कौन कौन सी प्रोसेस करता है दांत देखने के लिए कि वो खराब है, सही है या फिर उसमें कुछ और प्रॉब्लम भी है? ओके, तो जब आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएंगे, जाने के बाद आप उन्हें अपनी तकलीफें बताएंगे, तकलीफें हो सकती है आपको दर्द हो रहा है दांतों में, खून निकल रहा है, सेंसिटिविटी है या फिर फोली हो गई है, मवाद है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आप अपने डेंटिस्ट को अच्छे से पूरे विस्तारता से बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। उसके बाद डेंटिस्ट क्लिनिकली आपको चेक करेगा, आपका हर एक दांत चेक करेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हर दांत की प्रॉब्लम अलग हो सकती है या फिर सिमिलर भी हो सकती है। तो डेंटिस्ट चेक करके नोट डाउन करेंगे, उसके बाद में आपका डायग्नोसिस होगा, एक्सरे लिया जाएगा हर एक दांत का। अगर एक्सरे के भी दो पार्ट्स होते हैं, अगर आपकी अकल दांत का प्रॉब्लम है तो ओपीजी करवा सकते हैं, और अगर सिंगल दांत का प्रॉब्लम है तो आरवीजी, जो डिजिटल एक्सरे होता है, वो करवा सकते हैं। वो करने के बाद आपका डायग्नोसिस रेडी हो जाएगा कि आपके दांत में क्या करना ज़रूरी है, उसके बाद में ट्रीटमेंट प्लानिंग होगा, ट्रीटमेंट प्लानिंग के बाद फिर आपका ट्रीटमेंट कराया जाएगा। जी सरगम जी, जैसे कई कई जगह पर अगर किसी लोगों को दांत में दर्द है और उनके पास उस टाइम पे ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो इस केसेस में वो कौन सी दवा जो है मेडिकल से जाके ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं? वैसे तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हमें कोई मेडिसिन लेनी नहीं चाहिए, हमें बहुत सारे डेंटल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, बहुत सारी क्लिनिक्स अवेलेबल है, आप 50 मीटर्स 100 मीटर्स के दूरी पे आपको डेंटल क्लिनिक अवेलेबल रहेंगे, तो आपको तुरंत ही जाके इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए। पर इन केस अगर आपको दर्द है तो आप लूक वार्म वाटर, जो कुनकुने पानी से है, उस पर आप गागल कर सकते हैं। इन इफ पॉसिबल आप किसी अपने लाइक रिलेटिव आपका कोई अगर डेंटिस्ट है तो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप लाइक पेन किलर यूज कर सकते हैं। मैं सजेस्ट नहीं करूंगी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर यूज करने की, बट इन केस बहुत दर्द है तो फॉर टाइम बीइंग आप एक पेन किलर यूज कर सकते हैं। जी, बट यू शुड कंसल्ट डेंटिस्ट फर्स्ट। या श्योर।
सरगम जी, एक सवाल मेरे मन में है, जैसे दाढ़ में अगर कीड़ा लग जाता है तो हम रूट कैनाल कर लेते हैं, लेकिन जब दांतों में, जो आगे के दांत है उसमें अगर कीड़ा लग जाए तो उस कंडीशन में क्या प्रोसेस होती है? क्या वो दांत की फीलिंग की जाती है या फिर क्या किया जाता है? जैसे पीछे के दांतों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, वैसे ही सामने के दांतों का भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो सकता है। और अगर आपका दांत बहुत सड़ चुका है तो उसमें हम एक अलग प्रोसीजर करते हैं जिसमें हम रॉड अटैच करके दांत फॉर्म करते हैं, उसके ऊपर फिर कैप बैठाते हैं। तो सेम प्रोसीजर है, थोड़ी सी तकनीकें अलग है, पर हम सामने के दांतों का भी रूट कैनाल करके आपका अच्छे से स्माइल मेकओवर या फिर दांत को बचाया जा सकता है। जी सदन जी, आखिरी में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं यही सुझाव दूंगी कि आप बहुत अच्छे से खाना खाइए, शुगर सब्सटेंस खाइए, मीठा तो सबको पसंद है, पर उसके साथ आप अपना रेगुलर डेंटल चेकअप कराइए। और अगर आपको दर्द है, आपको बहुत दर्द है, तो प्लीज दर्द सहिए मत, आप तुरंत डेंटिस्ट के पास जाइए। सारे डेंटिस्ट अवेलेबल है और आपका वो ट्रीटमेंट अच्छे से आपको जो ज़रूरत है वो आपको अवेलेबल करा देंगे। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप डेंटल के प्रॉब्लम को नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि अगर दांत है तो हम खाना खा सकते हैं, खाना खा रहे हैं तो हम खुश हैं। बस सरगम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज सेहत में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि डॉक्टर सरगम पराते ने हमें बताया कि हमें दांतों की किस तरीके से रक्षा करनी चाहिए, और अगर दांत में कोई कीड़ा है या फिर कोई दर्द है तो उसका तुरंत डेंटिस्ट के जाके इलाज करना चाहिए। स्वराज सेहत में बस इतना ही, और ऐसी तरीके के अलग अलग मुद्दे हम आपके पास लेके आएंगे। नमस्कार।